ना। अच्छा आप हिंदू हो या मुस्लिम? हिंदू। हिंदू। अच्छा कोई बात नहीं। सुकून है। सच बोलूं भाई, मुझे ना बहुत ही टेंशन था मुझे, तो जैसे ही मैंने कुरान पाक सुन लिया तो मुझे बहुत दिल को बहुत ही अच्छा सुकून मिल गया, बहुत अच्छा सुकून मिल गया। समझ नहीं आ रहा है कि कौन मुस्लिम है कौन नॉन मुस्लिम है। लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दे, लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दे, जिंदगी का मकसद सिर्फ रब को राजी करना है, सिर्फ रब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर आफत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों जो पहला पार्ट था उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिखाया और कमेंट्स की, जाहिद भाई इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी बनाओ। आज टाइम मिला, मैंने सोचा क्यों ना इसका दूसरा पार्ट भी बनाए। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको सुकून ही सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। जो चैनल पर नए आ रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया। तो जाते हैं लोगों की तरफ, देखते हैं लोगों का रिएक्शन कैसे रहेगा। यहाँ पर भाई मिले तो जाते हैं इसी की तरफ, देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा रहेगा, देखते हैं ये वीडियो में आएगा कि नहीं, और देखते हैं कि कुरान सुनकर ये इसको कैसा फील होगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहांगीर अहमद है। जहांगीर अहमद, आप कहाँ रहते हो? मैं कुपवाड़ा से हूँ भाई। कुपवाड़ा से। अच्छा आप क्या काम करते हो? मैं अभी पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? 12th क्लास में। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अच्छा भाई, मैं इस्लामिक रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं आज आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, अगर इजाज़त है तो। ठीक है, मैं सुना। खाली मैं आपको 20 या 10 सेकंड ये सुनाऊंगा, फिर आपको मुझे बोलना है कि आपको ये सुनकर कैसा फील हुआ। आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। इजाज़त है? हाँ ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد। अच्छा भाई सच बोलना, आपको ये सुनकर कैसा फील हुआ? सच बोलूं भाई, मुझे ना बहुत ही टेंशन था मुझे, तो जैसे ही मैंने कुरान पाक सुन लिया तो मुझे बहुत दिल को बहुत ही अच्छा सुकून मिल गया, बहुत अच्छा सुकून मिल गया। जैसे मैंने उससे आप क्या बोलना चाहते हो? लोगों से मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि हम खाली यही आता है दुनिया में, खाली हमको वापस जाना है। क्या करना है, हम कुछ नए काम करना चाहिए दुनिया में, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए जो हमारे को वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि वो भी जब टाइम आए, हो सकता है आज टाइम आए नहीं, किसी को नहीं होता है टाइम आए, तो कुरान को सुन लिया करे, 10 मिनट, 5 मिनट, 10-15 मिनट, बस बस लोगों को मैं इतना बोलना चाहता हूँ। चलो शुक्रिया, शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? सजाद। सजाद। सजाद आप कहाँ रहते हो? कोकरनाग में। कोकरनाग में। अच्छा आप क्या करते हो? स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, मुझे इस्लामिक रिलेटेड कंटेंट है, मैं इस्लामिक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, आज मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, जब वो आप सुनोगे आपको मुझे फिर बोलना है कि आपको वो सुनकर कैसा फील हुआ। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। इजाज़त है? ठीक है भाई। हाँ बोलो। चलो ठीक है। التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
सच बोलना, आपको ये सुनकर कैसा महसूस हुआ, आपको ये सुनकर कैसा फील हुआ? बहुत सुकून मिला जब ये आयत, कुछ आयत ही आपने सुनाई तो बहुत सुकून मिला मुझे दिल को। अच्छा, आप लोगों से क्या बोलना चाहते हो? लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि सुबह सवेरे उठ के आप कुरान पाक पढ़े तो दिन भी अच्छा हो जाएगा और नमाज भी, और अल्लाह के करीब जाओगे तो हर कामयाबी आप पाओगे। बेशक बेशक, और कुछ कहना चाहते हो आप? बस आज कुछ इतना ही, और मिलेंगे कभी तो और बता देंगे। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल है। साहिल, साहिल आप कहाँ से हो? मैं बेमना से हूँ। बेमना से, अच्छा आप क्या करते हो? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। ठीक है, मुझे इस्लामिक रिलेटेड कंटेंट है, मैं लोगों से इस्लामिक रिलेटेड कुछ सवालात करता हूँ या कुछ कभी कभी कुछ सुनाता हूँ। आज मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, अगर इजाज़त है आपका। हाँ सुनाइए। इजाज़त है? खाली मैं आपको 10 या 20 सेकंड सुना होगा, फिर आपको मुझे बोलना है, सच बोलना है। लेकिन आपको मुझे क्या बोलना है कि आपको ये सुनकर कैसा फील हुआ? ठीक है। जी सर, बहुत सुकून आया। पहले मैं मस्ती में था, यहाँ वहाँ घूम रहे थे हम। जब मैंने ये सुना फिर मुझे फील हुआ कि हम एक्चुअली में मुसलमान है क्या। बहुत सुकून आया और शुक्रिया आपने मुझे ये सुनाया। सो बस। अच्छा, आप लोगों से क्या बोलना चाहते हो? मैं लोगों से ही बोलना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर आया सब कुछ है, इन सब से दूर हो जाए और जो हम एक्चुअली मुसलमान हैं हमें उस पर फोकस करना है, कुरान शरीफ पढ़ना है, नमाज के पाबंद रहना है, बस यही करना है हम लोगों को। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अमूल्य भारत। आपका? मंजुला सिन्हा। अच्छा, आप हिंदू हो या मुस्लिम? हिंदू। हिंदू। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे इस्लामिक रिलेटेड कॉन्टेंट है, मैं इस्लामिक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, अगर इजाज़त है मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, आपको फिर क्या मुझे बोलना है कि आपको वो सुनकर कैसा फील हुआ? इजाज़त है? हाँ। चलो ठीक है, पहले आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ये कश्मीर कैसा लगा? कश्मीर बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है। और कश्मीर के जो लोग हैं वो कैसे लगे आप? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त है? हाँ इजाज़त है। والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد। लोगों से आप क्या बोलना चाहते हो? लोगों से बोलना चाहता हूँ कश्मीर आइए, देखिए दुनिया का जन्नत है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या बोलना चाहते हो? बिल्कुल, बार बार आइए, एंजॉय कीजिए यहाँ की ब्यूटी, यहाँ के लोगों का कल्चर सुंदर है, हर चीज़ सुंदर है, फ्रेंडली है। शुक्रिया।
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ये सुनकर कैसा फील हुआ? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप नमाज की पाबंद रहना चाहे और कुरान तिलावत पाक के करना चाहे रोज़, उससे हमारा कल्चर भी ठीक रहेगा। और आपको मैं खाली 10 या 20 सेकंड वो सुनाऊंगा। ठीक है सर, सुनाइए। इजाज़त है? इजाज़त है, चलो ठीक है। بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد। अच्छा, आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ये सुनकर कैसा फील हुआ, सच बोलना। मुझे ये सुनकर बहुत सुकून मिला दिल को कि आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि कौन मुस्लिम है कौन नॉन मुस्लिम है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि कुरान सुना करे, इसी में सुकून है। ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो आखिरत में है। सही बात है। वीडियो पसंद आने के साथ आज वानी ज़ाहिद इस्लामिक नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए सब दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।